मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको टू पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो है अपना इम्प्लांटेशन रोपण और दूसरा है अपना गेस्टुलेशन। रोपण तथा गैस्टुला भवन, इन टू पॉइंटों के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये रोपण क्या है, व्हाट इज द इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइज एग अटैच टू द इनर मेम्ब्रेन एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। मोरूला अवस्था के बाद में जब ब्लास्टुला बन जाता है तो ब्लास्टुला अवस्था ही इस ये जो गर्भाशय दिख रहा है ना, ये तो क्या है गर्भाशय, और ये क्या है गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत है जिसको बोलते हैं एंडोमीट्रियम, इससे टच हो जाता है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फर्टिलाइज एग जो है आफ्टर ब्लास्टुलेशन ये अटैच हो गया किसमें, एंडोमीट्रियम में। तो ये संलग्न होने की क्रिया ही क्या कहलाती है, अंडर रोपण कहलाती है। अब अंडर रोपण में क्या होता है, जैसे ही संलग्न स्थल होता है तो लगभग एक और बता दो बात, मानव में जो रोपण का जो प्रकार है वो होता है अंतराली रोपण। अंतराली रोपण को अपन बोलते हैं इंटरस्टीशियल इम्प्लांटेशन, क्योंकि बिल्कुल गर्भाशय के परत में अंदर तक गहराई में धस जाता है और इस प्रक्रिया में इसको 11 दिन का समय लग जाता है। तो अबाउट 11 डेज इम्प्लांटेड एम्ब्रियो कंप्लीटली एंटर इनटू द यूट्रेन वॉल एंड कॉन्टेक्ट प्लेस इज कंप्लीटली क्लोज। अब जैसे जैसे ये एंडोमीट्रियम में अंदर की ओर दस्ता चला जाएगा और कंप्लीटली अंदर चला जाएगा 11 दिन के अंदर, तो यहाँ पर जो इसका ये कहना चाहिए जो 9 में बना रखी ना ये, तो यहाँ पर जो अटैचमेंट इसका जो प्लेस है वो क्या है, एक इस प्रकार से एक प्लग के द्वारा बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लोजिंग कोएगुलम। तो इससे क्या है कि बिल्कुल कंप्लीटली बंद हो जाता है। अब बंद हो गया तो इसका मतलब अब जो इससे आगे बनने वाली अवस्था जो अपना भ्रूण होता है ना वो उसको कोई खतरा नहीं होता है, यानी कि जो क्या ना एबोर्शन का जो खतरा होता है वो नहीं होता, इसलिए प्लग के द्वारा कंप्लीटली बंद हो जाता है, क्लोजिंग कोएगुलम इसको बोला जाता है। तो ये तो क्या हो गया अपना रोपण। अब बात करते हैं अपन किसकी, गैस्टुला भवन की। आफ्टर इम्प्लांटेशन जब ये रोपण हो जाता है तो रोपण के पश्चात अपन देख सकते हैं ब्लास्टोसिस्ट रीचेज इन द फ्यूचर प्लेस ऑफ बाय अमीबॉइड मूवमेंट एंड फॉर्म्स वेरियस ऑर्गन्स। रोपण के पश्चात जो ब्लास्टोसिस्ट जो होती है उसके अंदर जितनी भी जो सेल्स होती हैं वो उस अपने मूल स्थान से स्थानांतरित होकर के उन स्थानों पर पहुंच जाती हैं जहाँ पर फ्यूचर यानी भविष्य में उन कोशिकाओं से किन किन अंगों का निर्माण होता है, तो ये अपने वास्तविक स्थान पर पहुंच जाती है। तो गैस्टुला में ये सब मुख्य परिवर्तन होता है। आफ्टर डिफरेंशिएशन द सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म्स थ्री जर्मिनल लेयर। गैस्टुला की डायग्राम मैंने बना रखा है, बुक में नहीं है, तो इससे अपन को एक और पहचान आती है कि गैस्टुला में जब अपना सेल से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है तो ऑर्गन का फॉर्मेशन के लिए हमारे जो एम्ब्रियोनिक जो लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म, इनका बनना पहले बहुत जरूरी होता है। तो वी कैन से दैट थ्री जर्मिनल लेयर एक्टोडर्म मीजोडर्म एंडोडर्म फॉर्म आफ्टर ब्लास्टुला, दिस स्टेज इज कॉल्ड गैस्टुला। तो गैस्टुला वही अवस्था होती है ब्लास्टोसिस्ट के पश्चात कोरकपुटी के पश्चात जिसमें तीन भ्रूणीय जनन स्तरों एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण हो जाता है। तो ये वो गैस्टुला की अर्ली गैस्टुला यानी कि जो प्राथमिक गैस्टुला की जो अवस्था है उसका ये डायग्राम है, अपन देख सकते हैं इसमें आउटर लेयर जो है एक्टोडर्म बन चुकी है और इसके बाद जो सेकंड नंबर की जो लेयर है वो क्या बन चुकी है, एंडोडर्म बन चुकी है और बीच में जो केविटी प्रेजेंट रहती है वो होती है आर्केंट्रोन।
कि आर्केन्ट्रॉन वो केविटी है जिससे आगे चल करके जर्मिनल डिस्क और अपना एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन होता है आहार नाल का, तो वो आर्केन्ट्रॉन बनती है, जिसमें टू अपने इलेवेंथ पढ़ा होता टू पोर्स होते हैं, ब्लास्टोपोर जो होता है ना, ब्लास्टोपोर जो देखा हो ना छिद्र होते हैं, एक तरफ तो बनता माउथ और एक तरफ बनता एनस, तो ये फिर वो आर्केन्ट्रॉन एलिमेंट्री कैनाल के टू पोर होते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो अर्ली गैस्टूला। इसके बाद अगर लेट गैस्टूला, गैस्टूला की जो अंतिम अवस्था होती है तो उसमें भी वो आर्केन्ट्रॉन है, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब लिखा हो ना फ्यूचर नोटोकॉर्ड, यहाँ पर ये राउंड स्ट्रक्चर देख रखी है, तो न्यूरल प्लेट बनेगी वहीं पर, भविष्य में क्या होगा अपना बैकबोन जिसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होकर के नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है, तो फ्यूचर में इन न्यूरल प्लेट के नीचे जो सेल्स हैं इससे चल करके भविष्य में नोटोकॉर्ड का निर्माण होता है। डेवलपिंग मेसोडर्म, अब हम देख रहे हैं कि ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों के बीचों बीच में, यानी ऊपर वाली साइड में बीच में एक तीसरी जो जर्मिनल लेयर है, मेसोडर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो लिखा हुआ डेवलपिंग मेसोडर्म, येलो कलर में दिखा रखी है, एक्टोमीजो के ये बीच में बनने लग जाते हैं और ये पर अपनी एपिडर्मिस है ये, तो ये गैस्ट्रोला की अंतिम अवस्था होती है। तो डायग्राम से हमको थोड़ी सी इसमें हेल्प मिल जाती है। तो कहना है दीज थ्री जर्मिनल लेयर, ये जो तीनों एक्टो मीजो और एंडो आपस में मिल जाती हैं, समीकृत हो जाती हैं, कंबाइन टू फॉर्म ए डिस्क विच इज कॉल्ड जर्मिनल डिस्क या एम्ब्रियोनल डिस्क। ये तीनों लेयर मिलकर के एक डिस्क, एक प्लेट का निर्माण करती है जिसको अपन जर्मिनल डिस्क बोलते हैं। हाँ, इसमें गैस्ट्रूला के अंतर्गत जितनी भी कोशिकाएं जो बनती हैं, वे कोशिकाएं जो होती हैं अपने अपने स्थान से विभिन्न अंगों को, बताया गया विभिन्न अंगों का निर्माण करने के लिए उन स्थानों की ओर पहुंच जाती है जहां पर भविष्य में इनसे अंगों का, प्राणी व्यस्क प्राणी के शरीर में अंगों का निर्माण होता है। तो ये जो अपने मूल स्थान से वास्तविक स्थान, मूल स्थान जो प्रेजेंट में है और उससे जहां पर ये वास्तव में पाई जाती है इन व्यस्क शरीर में, तो वहां तक स्थानांतरण इनका होता है। तो ये सब गैस्ट्रोला के अंदर ही हो रहा है। तो ये जो कोशिकाओं का स्थानांतरण है इसको अपन बोलते हैं संरचना विकासी गतियां, क्योंकि कोशिकाओं से आगे कौन कौन संरचनाओं का निर्माण होता है और उनसे अंगों का विकास होता है, तो ऐसी जो गतियां होती है उनको संरचना विकासी गतियां बोला जाता है, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल मूवमेंट। तो ये अपना रोपण और गैस्ट्रोला, तो ये अपने ये दोनों टॉपिक पूरे हो गए। इसके पश्चात बताता क्या है इस चैप्टर में, ये बताएगा कि किस दिन, किस सप्ताह और किस महीने जो भ्रूण से गर्भ और गर्भ से शिशु का जो विकास होता है, तो कौन कौन से अंगों का विकास होता है, तो वो आपको पढ़ने से ही पता चल पाएगा, उसके बारे में अपन शॉर्ट में बता देंगे। लेकिन अभी इतना ही है कि बस ये है कि एक महीने के अंदर अंदर वो जो है अपना जो हार्ट है भ्रूण में वो विकसित होने लग जाता है और उसमें धड़कने स्टार्ट हो जाती हैं, 113 हार्ट बीट पर मिनट स्टार्ट हो जाती है। तो एक महीने के अंदर हृदय जो है कंप्लीट हो जाता है, दो महीने के अंदर मतलब जो भ्रूण है वो हमारे जैसे पूर्ण विकसित व्यस्क के समान दिखाई देने लग जाता है, हाथ पैर अंग सबका निर्माण होने लग जाता है। तीसरे महीने में ये पलके बोहें ये सब बाल बाल सब आने लग जाते हैं और एक कंप्लीट यानी कि जो शिशु है उसका विकास हो जाता है, और इस अवस्था में अपन एबॉर्शन भी करवा देते हैं, लेकिन आजकल इस पर बंद है। तो वो वास्तव में हत्या इसीलिए कही जाती है कि वास्तविक जो है व्यस्क जैसा प्राणी शरीर में विकसित हो जाता है 3 महीने, और 3 महीने के बाद अगर ये जो अबॉर्शन कराते हैं तो डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि उसमें माँ की जान जा सकती है। तो ये अपन और अगले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये इसके साथ ही चैप्टर अपना एंड हो जाता है। थैंक यू। और मैं देखता हूँ भाई जब कुछ ऐसा कोई छोटा मोटा कुछ चीज बच गई हो तो मैं आपको एक और बात बता दूं, जो तीसरे से चौथा जो महीना गर्भधारण का जब चलता रहता है तो उसमें जो विकसित शिशु जो है जो ग्लूकोज है पोषण पदार्थ उसको आंत्रों के द्वारा पचाने लग जाता है और जो मल का निर्माण होता है स्टूल का वो भी तीसरे से चौथे महीने के बच्चे जो भ्रूण का विकास होता है तो मल वो त्यागने लग जाता है माँ के शरीर के अंदर ही, तो और हाथ पर चलने लग जाता है। तो
कहते हैं हाथ पैर मार रहा है, लात मार रहा है, तो हम देखो ना मूवमेंट होने लग जाती है उसकी एम्ब्रियो की। तो इस जो हलचल जो होती है इसको माँ जो है महसूस करने लग जाती है कि मूवमेंट कर रहा है जो अपना फीटस है। तो उस मूवमेंट को अपन क्या बोलते हैं, क्लिंकिंग। फीटस की जो हलचल होती है माँ के पेट के अंदर वो क्लिंकिंग कहलाती है। और इसके अंदर कोई विशेष बात है नहीं है। और जो मल जो डेवलप होता है शरीर भ्रूण का वो मीकोनियम कहलाता है। अब मान लीजिए 4 से 6 महीने के अंदर क्या परिवर्तन आते हैं, तो 4 से 6 महीने के मतलब व्हाट इज द चेंजेज बिटवीन 4th to 6th month ऑफ फीटस। तो जो अपना गर्भस्थ शिशु है वो एक सफेद रंग के तरल से ढक जाता है। 4 से 6 महीने के बीच में जो शिशु होता है वो एक व्हाइट कलर के फ्लूइड से अपने आप को कवर कर लेता है, और जिसको बोलते हैं वर्निक्स, जो सरल होता है वर्निक्स कहते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियाएं मन अपना वो स्टिमुलेशन शो करने लग जाता है। और 5वें महीने में अस्थि मज्जा, ये ब्लड के अंदर जो अपना होता है ना क्या बोलते हैं इसको बोन मैरो, इसका फॉर्मेशन 5वें महीने में स्टार्ट होने लग जाता है। बोन मैरो बन जाएगा तो आरबीसी का बनना भी स्टार्ट हो जाता है। तो भ्रूण में आरबीसी यानी ब्लड का जो बनना वो 5वें महीने में स्टार्ट हो जाता है। और 6वें महीने से लेकर के जन्म तक, 6th month to birth तक क्या होता है उसमें चौथा महीना होता है उसमें अपने टीयर ग्लैंड्स बन जाती है। 4th महीने के लास्ट में टीयर ग्लैंड्स बन जाती हैं, और फिर सारी जो अपना ग्लैंड्स वगैरह थे इनका डेवलपमेंट हो जाता है। और जो भ्रूण की जो त्वचा होती है उसके नीचे एक भूरी का मतलब जो बोलते हैं ब्राउन कलर होता होगा, ब्राउन कलर की जो फैट है वो डिपॉजिट होने लग जाती है। तो ब्राउन कलर की जो भूरे रंग की जो वसा है जो आफ्टर बर्थ रेगुलेट द टेम्परेचर, जो ताप का नियंत्रण करती है, बच्चे का जन्म हो जाता है तो त्वचा के नीचे की जो भूरी वसा है वो ताप का नियंत्रण करने लग जाती है। और जैसे 8वें महीने में अपना जो लंग्स है, लंग्स की जो एल्वियोली होती है वायु कुपिका ये बन जाती हैं। और फिर 9वें महीने के अंत तक जो उसका फीटस का जो आकार है कम्प्लीटली वो इतना अधिकतम हो जाता है कि शिशु के आवल से एस्ट्रोजन सीक्रेट होने लग जाता है। शिशु का जो आवरण है उससे एस्ट्रोजन सीक्रेट होने लगता है, और जैसे एस्ट्रोजन सीक्रेट होने लग जाएगा उससे जो प्रेग्नेंट लेडी है उसमें मतलब लेबर पेन स्टार्ट होने लग जाते हैं। और लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो उसके 4-5 घंटे के अंदर ही शिशु का जन्म हो जाता है।